उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण और बाकी क्षेत्रीय खतरों पर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एकजुट हो गए हैं। इस मामले में अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने जापान के उप विदेश मंत्री ताकियो मोरी और दक्षिण कोरिया के चोई जोंग कुन के साथ टोक्यो में मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन शांति, सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र बना हुआ है। उप विदेश मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में नौवाहन और उड़ान की आजादी को कायम रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने और उसका सम्मान करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्वी चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य की मौजूदा स्थिति में एक तरफा बदलाव करने की कोशिश का विरोध करते हुए कहा, जब देश अमेरिकी हितों के प्रतिकूल कार्रवाई करेंगे या हमारे साझेदारों और सहयोगियों को खतरा पैदा करेंगे तो हम उन चुनौतियों का जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। इसके साथ ही अमेरिका और जापान ने दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाकों और जापान के नियंत्रण वाले सेनकाकू द्वीप समूह पर चीन के दावे को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। सेनकाकू द्वीप समूह पर भी चीन दावा करता है और उसे दिया ओयू नाम दे रखा है। इस पर ताकिया मोरी ने कहा, ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट हों और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मौजूदा स्थिति में बदलाव करने की चीन की एक तरफा कोशिशों के खिलाफ आवाज उठाएं। इस मामले में कोरिया के उप विदेश मंत्री ने उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका और चीन के बीच खराब होते रिश्तों से दक्षिण कोरिया दुविधा में पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका उसका मुख्य सुरक्षा सहयोगी है, वहीं दूसरी तरफ चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसी बीच बीजिंग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिका और जापान पर शीत युद्ध की मानसिकता के साथ जानबूझकर इस टकराव में शामिल होने और चीन विरोधी घेराबंदी करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा, अमेरिका और जापान को चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देना और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करना फौरन बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की मजबूती से रक्षा करेगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।